पूर्वी दिल्ली इलाके के न्यू अशोक नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को किसी बात के लिए अपने बेटे के सामने गाली दे दी। यह बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि बेटे ने तुरंत पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बेटा खुद अपने पिता को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भी ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के चलते आसपास के लोग भी हैरान हैं कि आखिर एक कलयुगी बेटे ने पिता की इतनी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। आया था, लेटा हुआ था, हाँ। सुबह में किसी का अपना खाना खिला दिया वो, हाँ। तो ही मैं बोली ने तू अपना खाना दूसरे को खिला देता है, मैं भूखे रह जाता। तो फिर पापा उसको बोलने लगा, तो वो यहाँ पे लेट गया चाकू लेके प्याज छील रहा था, बोला आमलेट बना दे भाई। तो मैं बोली ठीक है ये ले, वही जगह पापा आया उसको गाली दे दिया, माँ का गाली दे दिया, बोला माँ का गाली मत दिया कर, बस वो चाकू फेंक, वो वैसे ही कुंदक में फेंका वो बोला जी लो मुझे नहीं वो खाना है ना आमलेट। अच्छा, वो ऐसे नहीं है, वो भी बच्चे हैं, वो भी बाप है, वो भी आया ही था डिप्टी से कुंदक, वो भी बोल दिया, वो बोला माँ की गाली मत दिया करो, बस वो चाकू यूं फेंका यहाँ खड़ा था, लड़का इधर में सो कैसे ही लेट के ऐसे ही काटी रहा था, यूं फेंका। माँ का गाली इसीलिए? हाँ, माँ का गाली था बस, इसको माँ का गाली पसंद नहीं है। उसके डेढ़ सौ रुपये चोरी हो गए थे, तो मतलब गिर गए थे, उसके बाद पापा जब पूछा तो पापा ने मना कर दिया, पापा को जब पता ही तो पापा क्या बोला होते, हाँ। उसने ड्रिंक कर रखी थी गुस्से के मारे, हाँ। तो करता नहीं ड्रिंक, वो करता नहीं है, हाँ। गुस्से के मारे की थी किस कारण थे, हाँ। तो फिर जब पापा ने बोला नहीं मेरे पास, तो उन्हें गुस्से में मारा, और उसके गुस्से में पता नहीं था कि ज़्यादा लग गई है, लेके भी गया और ड्रिंक वो भी ने अपना कंट्रोल भी किया, तो फिर ये बात है। और वो नाबालिगा में इसलिए बस जी चाहता हूँ जो भी हो घर वाले की तब पता चला, हम लोग तो सोनीपत में रहते हैं, हाँ। पता चला कि उसका मतलब हजारी के लड़का का 150 रुपया कहीं गिर गया, हाँ। अपने पापा से आकर के पूछा, हाँ। कि आप लिए पैसा, तो बोला नहीं, उसी को चाकू लेकर के मार दिया। अच्छा जी, तो आप लोगों को कब मालूम चला कि मर्डर हो गया? तो सर मेरा भतीजा फोन किया पटना से, हाँ। लगभग 5 बजे सुबह में, हाँ। कि ऐसे हजारी चाचा को चाकू मार दिया उसका लड़का, जाओ, तो हम लोग आए वहाँ से। बहरहाल पुलिस ने कलयुग के बेटे को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना के चलते रिश्ते एक बार फिर शर्मसार हो गए। हमें जरूरत है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, ताकि भविष्य में कोई बेटा यूं अपने पिता बहन भाइयों की हत्या ना कर सके। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट।